खेसारी लाल यादव के खेमे में सबसे बड़ी सेंध मारी है पवन सिंह ने। जी हाँ, पवन सिंह अब गणनायक म्यूजिक के साथ आ रहे हैं। और क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको समझा देते हैं। आपको बता दें कि गणनायक म्यूजिक पे आप अगर उसके ऑफिशियल चैनल को जाकर देखेंगे तो वहाँ सबसे बड़ा सॉन्ग अगर किसी का है तो खेसारी लाल यादव का कोका कोला वाला सॉन्ग है। और इस सॉन्ग के बाद भी अगर आपकी नज़र पड़ती जाएगी सॉन्ग पर, सुपरहिट सॉन्ग्स पर, तो वो भी खेसारी के ही नाम पर है। बहुत कम स्टार्स हैं भोजपुरी के जिनके गाने वहाँ पर सुपर डुपर हिट हुए हैं। टॉप के पायदान से लेकर अगर आप बॉटम तक आते हैं तब तक खेसारी के गाने से भरा पड़ा है गणनायक म्यूजिक। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गणनायक म्यूजिक को इस्टेब्लिश ही खेसारी लाल यादव ने किया है। लेकिन अब गणनायक म्यूजिक ये समझ चुका है कि अगर भोजपुरी में रहना है तो सभी स्टार्स के साथ काम करना होगा। वो तो उसने पहले ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन पवन सिंह के साथ गणनायक म्यूजिक का इस वक्त आना, इस वक्त कोलैबोरेट करना, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। जी हाँ, गणनायक म्यूजिक के साथ पवन सिंह, शिल्पी राज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है और बहुत बड़े बड़े देवी गीत आ रहे हैं। और आपको ये बता देते हैं और इसका अनाउंसमेंट भी गणनायक म्यूजिक के ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट्स से हो गया है। तो बहुत जल्द पवन सिंह के देवी गीत सुनने को मिलेंगे आपको, और वो भी गणनायक म्यूजिक के तरफ से। और ये एक बहुत बड़ी डील हुई है गणनायक म्यूजिक और पवन सिंह के बीच। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।